हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज असम अंसारी एंड यू आर वाचिंग असम ब्लॉग्स। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में अपडेट देने वाला हूँ रिगार्डिंग हाया कार्ड न्यू अपडेट्स ऑफ 2023। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इसका वैलिडिटी कितना है हाया कार्ड का, और इसका रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, और इसका फीचर्स क्या क्या है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को फुल डिटेल दूंगा रिगार्डिंग हाया कार्ड। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है गाइज, हाया कार्ड आप लोगों को पता होगा, ये ड्यूरिंग फीफा वर्ल्ड कप एक फाइन आईडी है, वो लंच किया गया था। ये लंच करने का मकसद ये था कि जितने भी फॉरनर्स फीफा का फैंस लोग था, वो लोग को आने में इजी हो जाए दोहा कतर में मैच देखने के लिए। इसी पर्पस की वजह से हाया कार्ड को लंच किया गया था। इसको फैन आईडी कार्ड भी बोला जाता है। हाया कार्ड के बेसिस पे जो लोग आया था दोहा कतर में मैच देखने, वो लोग तो चला गया, लेकिन हाया कार्ड का जो वैलिडिटी था वो 2023 जनवरी 23 ही तक था। यानी जिन लोगों के पास हाया कार्ड था वो लोग 23 जनवरी तक ही स्टे कर सकता था। ठीक है, उसके बाद नहीं कर सकता था। लेकिन सभी लोग जाने के बाद कतर गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से एक अनाउंसमेंट आया फरवरी 2 तारीख को कि हाया कार्ड का न्यू अपडेट किया गया है, और हाया कार्ड के बेसिस से आप फिर दोहा कतर में आ सकते हैं, और वो भी कितने दिनों के लिए आ सकते हैं वो कतर गवर्नमेंट ने मेंशन किया। इसका एक्सटेंशन जो है वो है 1 ईयर के लिए, यानी आप हाया कार्ड पे दोहा कतर में आके 1 साल रह सकते हैं, ये जिन लोगों के पास हाया कार्ड है। और ये गाइस, और भी एक क्लियर बात कर दूं आप लोगों को कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो फॉरनर लोग है, फॉरनर लोग के पास हाया कार्ड है वही लोग आ सकता है, और वो ड्यूरिंग वर्ल्ड कप लिया गया है हाया कार्ड उन लोगों के लिए है। ठीक है, तो इसका एक्सटेंशन तो मैं बता दिया आप लोगों को, जनवरी 2024 तक है। ठीक है, यानी 1 साल इसका वैलिडिटी है, और 1 साल में आप कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, अगर आपके पास हाया कार्ड आप होल्डर है, अगर आपके पास हाया कार्ड है तो। ठीक है, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ रिक्वायरमेंट सेट करके रखा है, कुछ डिमांड है गवर्नमेंट का जो आप लोगों को फुलफिल करना पड़ेगा अगर आप हाया कार्ड पे दोहा कतर में आना चाहते हैं तो। ठीक है, तो मैं आप लोगों को अब बताता हूँ। टोटल 4 रिक्वायरमेंट है कतर गवर्नमेंट का। जो पहला रिक्वायरमेंट है ना, जो ड्यूरिंग वर्ल्ड कप भी था हाया कार्ड होल्डर वालों लोगों के लिए, वो था कि किसी भी तरह यहाँ पे आप लोगों को एकोमोडेशन बुक करना होगा, चाहे होटल रिजर्वेशन हो, चाहे आपका फैमिली स्पॉन्सर कर दे जो यहाँ पे है, चाहे फ्रेंड्स स्पॉन्सर कर दे, वो चीज सेम है, सेम कंडीशन है। ठीक है, वो आप लोगों को अप्रूव्ड करना पड़ेगा जो हाया कार्ड का वेबसाइट है ना, पोर्टल है वहाँ पे। ठीक है, अगर जिन लोगों के पास हाया कार्ड है, जिन लोगों ने ड्यूरिंग वर्ल्ड कप लिया है, उन लोगों को पता है कि हाया कार्ड और वेबसाइट में क्या क्या होता है। ठीक है, तो पहला कंडीशन वो है कि आप लोगों को एकोमोडेशन कंफर्म करना पड़ेगा हाया कार्ड के पोर्टल वेबसाइट में। ठीक है, दूसरा कंडीशन है वो है कि आपका जो पासपोर्ट का वैलिडिटी है ना, वो एटलीस्ट 3 मंथ होना चाहिए अगर आप दोहा कतर में आ रहे हैं तो। ठीक है, और जो थर्ड कंडीशन है वो है कि आप जितना दिन दोहा कतर में रहेंगे ना, उतना दिन का हेल्थ इंश्योरेंस आपको कराना पड़ेगा। ठीक है, और जो फोर्थ कंडीशन है वो है कि आपको आने के टाइम में जब आप आएंगे तो आने का टिकट और रिटर्न टिकट दोनों होना चाहिए। ठीक है, ये फोर्थ कंडीशन था, ये कतर गवर्नमेंट का रिक्वायरमेंट है। इतना अगर फुलफिल करते हैं और आपके पास हाया कार्ड है तो आप दोहा कतर में आके 1 साल रह सकते हैं, चाहे जा भी सकते हैं फिर आ सकते हैं, यानी मल्टीपल एंट्री है, आप जब भी जाए मन किया आपको जा सकते हैं, जब भी मन किया तब आप आ सकते हैं। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट था कतर गवर्नमेंट के लिए जिन लोगों के पास हाया कार्ड है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ फीचर्स क्या है हाया कार्ड का। तो गाइस, फीचर्स ये है कि अगर सपोज आपके पास हाया कार्ड है तो आप एडिशनल 3 आदमी को आप इनवाइट कर सकते हैं, यानी 3 आदमी को आप बुला सकते हैं दोहा कतर में आपके हाया कार्ड से। ठीक है, तो इसका प्रोसेस क्या है ना, ये कि फीचर्स है हाया कार्ड का जो वेबसाइट है उसमें हाया विथ मी बोल के, वो मैं कार्ड होल्डर हूँ ना तो वो मेरे को मिलेगा हाया विथ मी फीचर, और वहाँ पे एक 3 कोड होगा जो मैं अगर चाह रहा हूँ 3 आदमी को बुलाने के लिए तो वो एक एक कोड एक एक आदमी को दूंगा, और जब उसको कोड मिल जाएगा तो वो कोड से वो अप्लाई कर सकता है हाया कार्ड न्यू हाया कार्ड के लिए। ठीक है, जब वो अप्लाई करेगा ना तो कतर गवर्नमेंट चेक करेगा उसका प्रोसेस, मतलब क्या है, उसका वेरिफिकेशन करेगा, एकोमोडेशन ये सब, टिकटिंग इंश्योरेंस सब चेक करके उसका हाया कार्ड अप्रूव्ड कर देगा। जब हाया कार्ड मिल जाएगा तो आप दोहा कतर में ट्रैवल कर सकते हैं जैसे कि ओरिजिनल हाया कार्ड होल्डर था। इसका सिंपल वे अगर आप समझे तो एक हाया कार्ड होल्डर है जो ड्यूरिंग वर्ल्ड कप फीफा वर्ल्ड कप में हाया कार्ड लिया था, वो 3 आदमी को इन्वाइट कर सकता है अपने हाया कार्ड से। ठीक है, और वो जो 3 आदमी है ना, वो फिर जो वाउचर कोड मिलेगा, जो ओरिजिनल हाया कार्ड है उनको, उनसे जो वाउचर कोड मिलेगा, विद द हेल्प ऑफ दैट वाउचर कोड वो फिर एक नया
हायर कार्ड बना सकते हैं, ठीक है, और दोहा कतर में आ सकते हैं, ठीक है। तो गाइज, और उन लोग को भी फ्री एंट्री यानी मल्टीपल एंट्री मिलेगा, जब भी आ सकते हैं जा सकते हैं, फीस कुछ भी नहीं है, नो फीस। और गेट का, ई गेट का फैसिलिटी रहेगा, मतलब जब आप एयरपोर्ट में आएंगे तो इमिग्रेशन का झंझट ई गेट से आ सकते हैं जा सकते हैं, ठीक है। तो गाइज, ये रिगार्डिंग हायर कार्ड होल्डर का न्यू अपडेट था। ये बहुत ही कतर गवर्नमेंट ने इजी कर दिया है कि जिन लोगों को भी आना है दोहा कतर में, जो फॉरनर लोग हैं, जिन लोगों के पास हायर कार्ड है, वो लोग इजीली आ सकते हैं, यहाँ पे एक साल रह सकते हैं, ठीक है। तो गाइज, होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगा ना कहीं ना कहीं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।